क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, 200 और 400 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं, जो 200 और 400 के बीच है। ठीक है, तो हम एक बार तो 200 को भाग करेंगे, किससे, 7 से, और एक भाग कर बार हम जो भाग करेंगे 7 से ही 400 को भाग करेंगे। ठीक, अब 7 से हमने भाग करा तो 7 दूनी 14, 6 बचे, और यहां पर हो गए 7 8 56, 4 बज गए। ठीक है, अब 7 से भाग करा हमने 400 को, तो 7 5 35, 5 बचे 50 हुए, 7 7 49, यो एक बचा। अब यहां पर जो शेष बच रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1 से 200 तक देखूं तो 28 संख्याएं जो भागफल आ रहा, 28 संख्याएं क्या है, वो 7 से विभाजित है, और इसका मतलब है कि 1 से 400 तक 57 संख्याएं विभाजित है। अब वो कह रहा है इन दोनों के बीच, तो इन दोनों को घटा दो बस, 57 में से किसे घटा देंगे हम, 28 को, तो 57 में से 28 गए, 17 में से 8 गए, कितने बचे, 9, और यहां कितना बचा, 4, 4 में से 2 गए 2, तो 29 संख्याएं ऐसी हैं जो 200 से 400 के बीच 7 से कटने वाली है। अब क्वेश्चन नंबर 52 में देख लो, देखो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 1039 में जोड़ने के बाद प्राप्त योग 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 1039 को हम भाग करें किससे, 29 से। ठीक है, जिससे कि यह पूर्णतः विभाजित हो जाए, किससे, 29 से, तो इससे भाग करेंगे। 29 से अगर मैं भाग करूं तो 29 से चार बार भाग कर दूं, ठीक है, 29 से चार बार भाग करेंगे ज्यादा हो जाएगा, 29 से तीन बार भाग लेगी, 29 दिया 87, कितने बचे, यहां बच गए चार, वो 13 में से 7 गए 6, यहां बचा 1, यहां पर आ गया 9। अब हमें यह देखना कि क्या जोड़ा जाए, इसका मतलब ऊपर जाना, इससे इससे ऊपर जाना, तो कितनी बार चला देंगे भाई, 7 बार चला के देखें, 7 निम 63 का 3 का हासिल कुछ है, और 7 दूनी 14 और 6 20, ज्यादा हो रहा। अब इससे कम करके देखो, 6 पे ऐसे करके देखो एक बार, 6 पे कितनी बार बात बन रही है, कितना ज्यादा आ रहा, आओगा तो ज्यादा ही, लेकिन जस्ट बड़ा आना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं आना चाहिए। 6 बार चलाई हमने माननी, 6 निम 54 का 4 का हासिल को 5, और 6 दूनी 12 और 5 17, हाँ यो बिल्कुल नजदीक आ गया, देखो तो कितना घटा गया होगा, 5। तो अगर मैं इसमें 1039 में अगर मैं जोड़ दूं 5, तो वो क्या हो जाएगा, वो 29 से कटने वाली संख्या बन जाएगी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो पूरी तरह 4 से विभाजित होती है, 4 से विभाजित होने वाली। अब 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 999, अब 999 को भाग कर दो 4 से, एक तो 4 दुनी 8, 4 चौक 16, और 4 निम 36। फिर वही बात है कि हमें शेष से मतलब नहीं क्या आ रहा, हमें मतलब है भागफल से, भागफल 249 आया, लेकिन ये जो 249 संख्याएं हैं वो 3 अंकों की नहीं है, वो है 1 से लेकर 999 तक, उसमें 1 अंक की संख्या भी, उसमें 2 अंक की संख्या भी, और 3 की भी, तो जो 2 अंकों तक आ रही उनको घटा दो। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो, 99 को 4 से भाग दो, तो 4 दुनी 8 और 4 चौक 16, फिर वही बात कि इससे कोई मतलब नहीं, हमें क्या बच रहा, हमें मतलब किससे है, भागफल से, तो 249 में से है, हम माइनस किसे कर देंगे 24 को, तो बचेंगे 225 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 अंकों की है और साथ साथ वो 4 से भी विभाजित है, 4 से भी कट रही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 54,
क्वेश्चन नंबर 54 क्या है भाई? ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या, 2401 के साथ कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ना चाहिए ताकि वह 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब 2401 में क्या जोड़ा है, 2401 में क्या जोड़ा है कि वो 14 से पूरी पूरी कट जाए, ये देखना हमें। तो 14 एक 14, 10 बचे, एक जीरो लगा दिया। 14 सत्ते 98, 2 बचे, एक लगा दिया। जोड़ने की बात कर रहा है, इसका मतलब इससे ऊपर ले जाना हमें, 21 से ऊपर ले जाना। तो 14 दूनी 28 कितना आया, 7। तो अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो 2408 बनेगा, और 2408 जो है वो 14 से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 55 क्या है। यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाए, 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 आता है। 7n को 5 से भाग करें तो क्या शेषफल आएगा? तो मैंने कल भी बताया था, मतलब जो इससे पहले क्वेश्चन कराए उनमें मैंने इस बात का जिक्र करा था कि कभी भी भाजक दे रखा और शेषफल दे रखा और भाज्य निकालना, तो कुछ नहीं करना, उन दोनों को जोड़ दो। 5 में क्या जोड़ दो, 2, तो संख्या आ गई 7। ठीक है, अब उसने कहा 7n को, 7n का मतलब 7 गुणा 7, 7 सते 49 को अगर मैं 5 से भाग दूं तो क्या शेष बचेगा, 49 को मैं 5 से भाग दूं तो क्या शेष बचेगा, तो 5 9 45, क्या बचा शेष, 4, और वो इसका उत्तर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है भाई? जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाए तो शेषफल 15 आता है। जब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाए तो शेषफल 6 आता है। ठीक है, तो यहां पर d का न्यूनतम पूर्णांक क्या है यह बताना। अब देखो अगर मैं बात करूं तो यह तो आ गया d से भाग दे रहे तो शेषफल 15 आ रहा, तो d प्लस 15 की बात करूं। अब उसने कहा यदि उस संख्या के 10 गुने को, इससे मैं 10 से गुणा करूं तो आ गया, ये तो 10d आ गया और ये आ गया 150। 10 गुणे को d से विभाजित किया जाए तो शेषफल 6 आता है, शेषफल 6 आता है। इसका मतलब अगर देखो ये तो d से कट ही रहा, इसमें तो कोई समस्या नहीं, समस्या इसमें है। उसने कहा अगर मैं इसको जो है भाग कर रहा हूं d से तो शेषफल आना 6, तो 6 को अगर मैं घटा दूं तो मतलब 144 वो संख्या है जो d से कट रही, 144 वो संख्या है जिससे मैंने भाग दिया था वो कट रही है उससे। अब ऑप्शन पे आ जाओ भाई, ऑप्शन का क्या है, ऑप्शन है हमारे 4। पहला ऑप्शन है तुम्हारा इसमें क्या 12, फिर है 16, फिर है 18 और फिर है 9। पहली बात, उत्तर वो बनेगा जो 144 को काट रहा होगा, जो सबसे छोटी संख्या 144 को काट रही होगी। अब समस्या है 144 को सारे काट रहे, 12 भी काट रहा, 16 भी काट रहा, 18 भी काट रहा, 9 भी काट रहा, तो उत्तर कौन सा निशान लगा मैं। अब इसमें क्वेश्चन में ही कुछ चीजें छुपी हुई, जैसे उन्होंने कहा जब शुरू में डी से भाग करा तो 15 शेष बचा था, इसका मतलब डी का मान 15 से छोटा तो होने से रहा। भाई अगर मैं 5 से भाग दे रहा हूं 7 को, ठीक है, तो जो शेषफल बचेगा वो 5 से छोटा बचेगा, 5 के बराबर भी नहीं बच सकता। तो इसका मतलब क्या है, जो शेष है उससे बड़ी संख्या होगी वो जिससे हमने भाग दिया होगा। इसका मतलब 12 खत्म, इसका मतलब 9 खत्म। अब 16 और 18 में जो छोटी है, जो पहले है, क्योंकि न्यूनतम की बात करी वो उत्तर है, तो 16 वो संख्या है जो इस सारी कंडीशन को पूरा कर दी। बात आगे समझ करो, 57वां क्वेश्चन क्या है भाई? 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या में से 7062 को घटाया जाए तो परिणामी संख्या किससे विभाजित नहीं होगी। उसने कहा 3957 में पहले जोड़ दो 5349 और जो आवे उसमें से 7062 दो घटा, उसके बाद जो कह रहा वो कंडीशन पूरी कर लो। तो पहला काम क्या है, यहाँ पर पूरी संख्या नहीं लिखी गई है, 57 है, 7 है यहाँ पे, यहाँ 7 भी है। ठीक है, अब इसका मतलब इनको जोड़ो जी, पहले 7 और 9 16 का 6 का हासिल को 1, 5 4 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 9 और 1 10 3 13 का 3 का हासिल को 1, 5 और 3 8 और 1 9
और इसमें से घटा दो 7062, कितना बचा? अब देखो 6 में से 2 गए 4, 10 में से 6 गए तो भी 4, यहाँ कितने बच रहे? 2, जो का तो बच गया, यहाँ भी 2 ही बचे, तो 2244 बचा। अब उसने कहा किससे विभाजित नहीं होने का बताओ। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 7, और फिर चौथा ऑप्शन है क्या? 4 से विभाजित होने की कंडीशन क्या है? लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, बिल्कुल कट रहे, इसका मतलब 4 से तो कट रहे हैं। 3 से विभाजित होने की कंडीशन क्या है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 4 और 4 8, और 2 10 और 2 12, वो भी सही है। 11 से कटने का क्या मतलब है? कि सम और विषम स्थानों पर रखे अंकों के योग का अंतर शून्य होना चाहिए, मतलब जो योग इनका वो योग इनका होना चाहिए, तो 4 और 2 6 और 4 और 2 6 यो भी हो रहे, इसका मतलब यो 11 से भी कट रहा है। बचा कौन सा? यो ही नहीं काट रहा इसे, भाग देकर देख लो। 7 से हम अगर 2244 को भाग दूं तो 7 21 कितना बचा? 1, 7 2 14 क्या बच गया? 4, तो बच ही गया वो। क्वेश्चन नंबर 58 पा जाओ। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, उनका भागफल 9/7 है, तो योगफल बताना है। गुणनफल दे दिया, मतलब दो संख्या अगर मैं मान लूं, एक ए है दूसरी बी है, तो गुणनफल दे दिया 1575, और भागफल मतलब ए बटे बी जो है वो 9/7 दे दिया। संख्याओं का योग चाहिए, अब योग या अंतर हम निकाल लेंगे बाद में, योग या अंतर हम निकाल लेंगे बाद में, पहले हम क्या निकाल लेंगे? संख्या निकाल लेंगे। उसके लिए मैंने क्या करा? इन दोनों की कर दी गुणा, तो ए बी बटे ए बी गुणा ए बटे बी बराबर 1575 गुणा 9/7, बी से बी गया, 7 से भाग करा, 7 2 14 एक बचा, 7 2 14 और 7 5 35, इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर आ गया 225, 15 का वर्ग हुआ है, 9 3 का वर्ग होता है, इसका मतलब ए का मान जो होगा 15 3 45 आऊगा, ए का मान क्या होगा? 15 3 45। अब बी का मान निकालना, यहां रख दो जी, ए बटे बी है, ए का मान 45 है, बी का मान निकाल लेंगे बराबर 9/7, या 9 5 45 और 7 5 35, ठीक है, इसका मतलब ए का मान 45 है और बी का मान 35 है, हमें चाहिए इनका योग, तो ए प्लस बी 45 + 35 कितना हो गया? करो जी। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? जब किसी संख्या को 13 से गुणा करें तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? तो तुम क्या करो, 9 9 9 लिख के, अभी वो पता नहीं कितने की जरूरत पड़ेगी, जितने की जरूरत पड़ जाएगी पड़ेगी देख लेंगे वो, तो और उसे जो है 13 से भाग कर दो, तो 13 7 91 कितना बचा? 8, ठीक है जी, 13 6 78 13 6 78 कितना बच गया? 11, ठीक है, 13 9 100 13 8 104 और 13 9 117, ठीक है, कितना बचा? 2, 13 2 26 फिर 9 ताल लिया। उसकी कंडीशन ही नहीं हमारे पास भाई, 9 कितने हैं हम अपने हिसाब से देख रहे, हम तो ये देख लेंगे कहां तक जरूरत पड़ी, तो 13 3 39, तो यो जो यो भागफल जो आया वो सबसे छोटी संख्या है। अगर मैं इस संख्या को 13 से गुणा करूं तो क्या होगा? सारे अंक 9 9 के आ जाओगे, क्योंकि हमने 9 9 ही लिए और कुछ उतारा ही नहीं हमने, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 के निकटतम, निकटतम का मतलब वो छोटी भी हो सके वो बड़ी भी हो सके, क्या होगी? तो इसी संख्या को लिखो, 58701 को भाग कर दो किससे? 567 से। एक बार हम इससे एक कम पे चलाओगे मान ली, एक बार हम इससे एक ज्यादा पे चलाओगे, ठीक है, तो यहां पे एक बार माननी चली तो कितना आया? 0, कितना बचा भाई? 2, 0 उतारा, लेकिन माननी चल रही तो यहां 0 लगाना पड़ेगा और 1 उतारना पड़ेगा, अब कितनी बार चल जाएगी? 5,
या 15, 5 और 20 तीन बार चलेगी, तो 3 7 21, 2 3 6 18 2 20, 2 3 5 15 2 17, इसका मतलब यहाँ बचेगा 300, मतलब ये संख्या जो बनेगी वो 300 दूर बनेगी इससे। अब दूसरा देखो, संख्या जो कि तू केवल एक मारनी, ऊपर चलानी तुम्हें, सारा काम जो का तू है एक बार चलेगा तो यही आएगा, बचेगा 20, फिर वही बात कि जीरो लगा के एक तार देंगे, ठीक है। अब 3 के बजाय तुम कितने पर चलाओगे माननी, 4 पे, ठीक है। 4 7 28, 2 4 6 24 और 2 26, 2 और 4 5 20 और 2 22, जब इधर से घटाओगे तो 7 6 2, 267 आया। अब हमें देखो नजदीक कौन सा, हम जैसे यहां से है मेरठ जाना है और हम पहुंच जाए दोराला, अब दोराले से खतौली जो है ये मान के चलो वो 17 किलोमीटर है और दोराले से मेरठ जो है वो 12 किलोमीटर है, तो नजदीक कौन सा हुआ, मेरठ हुआ। तो वही बात यहाँ है कि यहाँ ये 300 दूर है, या तो मैं 300 घटाऊं तब नजदीक आऊंगी, या मैं 267 जोड़ूं तब नजदीक आऊंगी। कौन सी नजदीक आऊंगी, जब मैं 267 जोड़ दूंगा इस संख्या में, तो 8 6 9 ये जो है वो संख्या है जो उत्तर बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर, अब देखो भैया 61वां, दो संख्याओं गुणनफल 9375 है, बड़ी संख्या को छोटी से भाग दें तो 15 आता है, योगफल बताना है। जैसा भी हमने क्वेश्चन नंबर 58 करा लगभग वैसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, जब गुणा कर रहे हैं तो ए बी बराबर आ रहा है 93 75, और जब भाग कर रहे हैं तो ए बटे बी बराबर आ रहा है कितना भैया, 15, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना, हमें योगफल बताना, तो योगफल से पहले हमें संख्या निकालनी पड़ेगी भाई, तो हमने वही करा, गुणा कर दी, अब यहां पे क्या है वर्गमूल निकालना हमें इसका। अब एक तरीका तो यह कि मैं 15 की गुणा करूं उसके बाद वर्गमूल निकाल लूं, एक तरीका क्या है कि मुझे ये तो पता ही है कि 15 है और जब वर्गमूल बनेगा तो 15 एक और जरूर मिलेगा मुझे, तो मैंने एक 15 और लिया और 15 से भाग कर दिया, 15 6 90 कितने बचे, 3 37 हो गए, 15 2 30 और 15 5 75, इसका मतलब अगर मैं 625 की 15 में गुणा कर रहा तो 9375 बनना। अब वर्गमूल निकाल लूंगा तो 625 मुझे पता है 25 का और 15 गुणा 15 में से एक 15 आ गया, तो इसका मतलब जो एक संख्या होगी, जो पहली संख्या होगी वो होगी 25 5 125, मतलब हासिल को 12 और 25 1 25 और 12 37। अब दूसरी निकालनी, तो भैया यहां आ जाओ, a बटे b बराबर है 15, इसका मान आया 375 बटे b बराबर आया 15, तो 15 2 30 और 15 5 75, इसका मतलब b का मान आ गया 25, और हमें निकालना योग, जब हमें योग निकालना तो जोड़ दो किसको, 375 को 25 में जोड़ दो, 375 को 25 में जोड़ेंगे कितना होगा, और वही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर आ गया तुम्हारा 62वां, दो धनात्मक संख्याओं गुणनफल 11520 है, भागफल 9/5 है, उनका अंतर बताना। फिर वही बात है, a बटे b, ए बी बराबर 11520 है और a बटे b जो है वो 9/5 है। अच्छा, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने कई क्वेश्चन कर लिए, 3-4 क्वेश्चन कर लिए, तो एक चीज महसूस करी हमने कि जो a है वो बड़ी वैल्यू है और जो b है वो छोटी वैल्यू है। कल को किसी क्वेश्चन में तुम्हारे से वो पूछ ले कि बड़ा मान बताओ तो तुम्हें a का मान निकालना सीधा सीधा, और अगर वो पूछ ले छोटा मान बताओ तो तुम्हें सीधा सीधा b का मान निकालना, दूसरी वैल्यू नहीं निकालनी, ठीक है। अब गुणा करो, जैसे इसमें भी चेक करेंगे अभी, ए बी गुणा ए बटे बी बराबर 11520 गुणा 9/5। अब देखो इससे तो कैंसिल हुआ, 5 2 10, 5 3 15 और 5 6 20, ए स्क्वायर बराबर 2304 गुणा 9 आया। अब 2304 जो है वो किसका वर्ग है, 2304 किसका वर्ग है यो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार मैं 48 की 48 में गुणा करके देखूं क्या 2304 ही आ रहा है या कम ज्यादा आ रहा, 8 8 64 का 4 का हासिल कुछ है,
ठीक है, या वर्ग निकाल देंगे हम इस तरीके को, गुणा को छोड़ो वर्ग निकाल देंगे। वर्ग निकालने का क्या तरीका है देखो, चार चौक हो गए 16 और आठ आठ हो गए 64 और इनकी गुणा करो, 8 चौक 32 दूनी 64। अब यहाँ जोड़ा तो 4 आया, 6 4 10 की 0 हासिल को 1 6 6 12 और 1 13 बिल्कुल सही है। जो वर्ग किसका है वो 48 का है और यो 3 का है, इसका मतलब मैं एक ही बात करूँगा तो 48 गुणा 3 और 48 दिया हूँ मैं 144। 8 3 24 और 4 3 12 और 2 14। अब मुझे वैल्यू चाहिए बी की, तो ए बटे बी पर जाओ, ए बटे बी बराबर दे रखा 9/5, इसका मतलब ए का मान 144 है बटे बी बराबर 9/5, 16 निम्न 144 हो गया और 16 5 80। हमें चाहिए अंतर, इसका मतलब ए में से बी घटाना, ए का मान 144 बी का मान 80 घटाया तो कितना आया, घटाया तो 64 आया और वो इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दे दें तो भागफल व शेषफल 6 प्रत्येक जो 6 आता है, और यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दें तो भागफल 2 और शेषफल 3 आता है, बड़ी संख्या क्या है। तो पहले हमें बड़ी और छोटी संख्या माननी पड़ेगी। मान लिया बड़ी संख्या जो है वो ए है और छोटी संख्या भी है, क्योंकि हमें पता होगा जब हम कोई काम कर सके। उसने कहा बड़ी संख्या के 3 गुने, इसके 3 गुने को मैंने भाग करा 20 है तो जो भागफल आया वो भी 6 आया और जो शेषफल आया वो भी 6 है। इसका मतलब बीच में जो है वो है भाज्य, भाज्य कभी निकालना हो तो भाजक और भागफल की गुणा करके शेषफल जोड़ना पड़ा। तो इसका मतलब 3a बराबर क्या हो जाएगा, 6 की बी में गुणा करो 6b + 6, 3 से सबको भाग करा तो a बराबर आया 2b + 2, या a - 2b बराबर किसका आ गया 2 का आ गया। ठीक है, अब दूसरा देखो जी, उसने कहा यदि छोटी संख्या के 5 गुने, इसके 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दें तो भागफल 2 और शेषफल 3 आता है, सेम ही सभी ऐसे कर दो भाई, जो आ गया 5b बराबर आ गया, इन दोनों गुणा करेंगे 2a और + 3। ठीक है, इसका मतलब -2a + 5b = 3, जो नंबर 2 है। मान किसका निकालना हमें, बड़ी संख्या का मान निकालना, इसका मतलब हमें a का मान निकालना, तो इसे तो गुणा कर दो 5 से और इसे गुणा कर दो 2 से, जब 5 से गुणा करेंगे तो 5a - 10b = 10, और जब 2 से गुणा करेंगे तो -4a + 10b = 3 2 6, जोड़ दो ही कैंसिल हुआ तो a का मान कितना आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, दो अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से जैसे 37 37 या 63 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव किससे विभाजित होगी। अब बात देखो यहाँ पे क्या है, या तो यो संख्या कह रहा है या यो संख्या कह रहा है या इसके जैसी कोई और संख्या कह रहा है, तो जहां पर अंकों का रिपीटेशन हो उनके जोड़े बना। अब इसके जोड़े कितने बनने, 2, इसके भी जोड़े कितने बनने, 2, किसी एक उसको पकड़ लो, क्वेश्चन को बात बन जाएगी। जितने जोड़े बने उतने तो लिखो 1, मैंने क्या बताया जितने जोड़े बने उतने तो लिखो 1, और एक जोड़े में जितनी संख्या है, एक जोड़े में जितने अंक हैं, कितने अंक हैं इसमें 2, उससे 1 कम 0 लगा दो बीच में, उससे 1 कम 0 लगा दो, उत्तर आ गया। ठीक है, अभी बात समझ में नहीं आई होगी, 65वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसके साथ समझेंगे। उसने कहा 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे अब उसने ये संख्या बना रखी 256 256 को 2 बार रिपीट करा और 678 678 को 2 बार रिपीट करा, तो ये हमेशा किससे पूर्णतः विभाजित होगी, किससे पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखो जोड़े कितने बन रहे, 2 बन रहे, तो जितने जोड़े बन रहे उतने तो लिखो 1, एक जोड़े में कितने अंक है 3, तो उसे 1 कम 0 लगा दो, इससे विभाजित होगी। ठीक है, लेकिन इसमें जैसे यो आ रहा केवल 7 केवल 11 केवल 13, केवल का मतलब किसी और से नहीं होनी चाहिए। अब जैसे 1001 दिया लेकिन इसका केवल नहीं लिखा, इसका मतलब यो संख्या अगर और से भी विभाजित हो रही तो दिक्कत नहीं है,
कभी तुम न चेक करा ना कुछ, 7 से 22 हो रही क्या नहीं हो रही, तो देख लो 7 से 7 21 कितने बच गए, 4 7 6 42 कितने बच गए, 4 7 6 42 और 7 8 56 जीरो लगा के पूरी कट रही। जो 7 से भी कटेगी, जो 11 से भी कटेगी, जो 13 से भी कटेगी, लेकिन उसने एक शब्द लगाया केवल, इस वजह से भी ऑप्शन नहीं है तीनों, ठीक है। इसमें 1001 में केवल शब्द नहीं लगा, इसलिए यो ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 66 भी देख लो, छोटा सा ही क्वेश्चन है। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 और गुणनफल जो है उनका 6075 है, छोटी संख्या बतानी। तो जब मैं a बटे b निकाल रहा तो 3 आ रहा, और जब मैं a भी निकाल रहा तो 6075 आ रहा। अब छोटी संख्या निकालनी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करा था, छोटी संख्या का मतलब a निकाल लूं या b निकाल लूं, b निकालनी पड़ेगी, a बड़ी संख्या ठीक है और b छोटी संख्या। तो अगर मुझे b निकालनी है तो इसे गुणा नहीं करना, क्योंकि गुणा कर दो b कट रहा, भाग कर दो, ठीक है। अगर ये समीकरण नंबर 1 है या 2 है तो 2/1 कर दो, ठीक, ए बी बटे ए, और ये बी जाएगा ऊपर, और 6075 बटे हो जाएगा 3। तो अब देखो ए से ए कट गया, क्या बचा, बी, और 3 से भाग कर दो, 3 दुनी 6 और 3 5 15, इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर आ गया 2025, और 2025 किसका वर्ग है, 45 का, 2025 किसका वर्ग है, 45 का। तो जो छोटी संख्या है वो 45 है, और ये ऑप्शन नंबर सी है।